हाँ जी दोस्तों, तो जैसा कि हमने कहा था, एक क्विकली रिवाइज करेंगे पूरे पूरे चैप्टर 2 को, जो कि हमारा कंटेन करेगा सेक्शन नंबर 3 से लेकर सेक्शन नंबर 22 तक के सारे प्रोविजंस। इन शॉर्ट ऑब्वियसली बात है, 3 से लेकर 22 तक में सारे सेक्शंस तो हैं, लेकिन इसमें सेक्शन 11 हमारा जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, और उसकी जगह पर हमारे पास सेक्शन नंबर 10 एक एक्स्ट्रा सेक्शन पढ़ने को आएगा, जो कि कमर्शियल लॉ बिजनेस की बात करता है। तो अपने सारे सेक्शंस पढ़ लिए हैं, मेरे साथ साथ आप इसको आप बोलते रह सकते हो। डिस्प्ले पे ऑब्वियसली कोशिश करेंगे कि आपका ये कंटेंट सेक्शन वाइज चलता रहे, बाय सर्च उसको लेके चलेंगे, सीक्वेंस लेके चलेंगे, क्योंकि बुक में सीक्वेंस में नहीं है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहला सेक्शन हमारा आया था फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का, जो कि है हमारा सेक्शन नंबर 3 के अंदर। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में आपने क्या देखा था कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में बताया गया कि कंपनी को 5 कैटेगरी में आपका डिवाइड किया जा सकता है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो ओपीसी हो, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो। 5 कंपनी कैटेगरी कौन कौन सी थी? तो पहली कैटेगरी थी आपकी लिमिटेड बाय शेयर्स, फिर आती है गारंटी विद शेयर कैपिटल, विदाउट शेयर कैपिटल, फिर आता है आपका अनलिमिटेड कंपनी विद शेयर कैपिटल एंड विदाउट शेयर कैपिटल। ओवरऑल जो आप बात करें कि सेक्शन नंबर 3 जो है वो बात करता है बेसिक रिक्वायरमेंट के ऊपर। बेसिक रिक्वायरमेंट में इसने ये बताया आपको कि अगर आपको पब्लिक कंपनी स्टार्ट करनी है तो उसके लिए आपके पास 7 लोग होने चाहिए कम से कम, प्राइवेट कंपनी करनी है तो 2 होने चाहिए, ओपीसी हो तो 1 होना चाहिए। लेकिन ओपीसी के अंदर एडिशनल ये बात भी बताई गई थी कि वहां पे एक नॉमिनी की आवश्यकता भी पड़ती है कि इन केस अगर डेथ या फिर इनकैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एक्चुअल मेंबर को, तो वो जो नॉमिनी होगा उसको उसकी जगह पे रिप्लेस किया जाता है, उसको एक्टिव मेंबर माना जाता है। पर साथ में ये प्रोविजन भी था कि वो जो नॉमिनी बनाया जाएगा उसके लिए उस नॉमिनी का कंसेंट होना जरूरी है, और वो नॉमिनी उसको जब चाहे विड्रॉ कर सकता है अपने कंसेंट को, मेंबर भी जब चाहे तो उसको चेंज कर सकता है, और ये जो चेंजेस होते हैं ये अल्टरेशन ऑफ एमओए नहीं माने जाते। इसके बाद ये सेक्शन नंबर 3 बेसिकली आपका पूरा डील कर रहा था। फिर यहाँ पे एक छोटा एरिया और आया था सेक्शन नंबर 3A का, जिसको कहते थे हम मेंटेनेंस, मेंटेन मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। ये बेसिकली क्या बात करता था कि जो मिनिमम नंबर ऑफ क्राइटेरिया ऊपर आपको बताया गया 2 का, 7 का या 1 का जैसा भी है, तो वो आपको मेंटेन करके रखना है। सपोज करो ऐसा हो जाता है कि 7 मेंबर से घट के 5 मेंबर हो जाते हैं, 2 की डेथ हो गई या कुछ भी ऐसा इशू हो गया, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में आपको 6 महीने का टाइम लिमिट दिया गया था कि 6 महीने तक तो आप कोई दिक्कत नहीं, अरेंज करके उसको फुलफिल कर लो अपने बेसिकली सेक्शन 3 की फॉर्मेलिटीज को। इन केस अगर आप उसको फुलफिल नहीं कर पाते तो 6 महीने के बाद से जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे उसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी सभी मेंबर्स की मिला जुला के। जैसे कि 5 मेंबर अगर बचे हुए हैं तो 6 महीने के बाद के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, जितनी भी डेट्स या लाइबिलिटीज अराइज होंगी, उसके लिए वो मेंबर्स पूरे पूरे जिम्मेवार होंगे। कंपनी की लाइबिलिटी वहां पे नहीं होगी, उन पर्सन की लाइबिलिटी होगी, उन मेंबर्स की लाइबिलिटी होगी। ये 3A के अंदर बात आई थी। फिर हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 आपको ध्यान होगा, सेक्शन नंबर 4 था हमारा एमओए के ऊपर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर आपने क्या देखा था। तो एमओए के अंदर थोड़ा सा सर्च करना मुश्किल है क्योंकि मल्टीपल चीजें हैं। चलिए, तो एमओए के अंदर आपने क्या देखा था कि एमओए को आप ओरिजिनली क्रिएट कर सकते हो या फिर उसके अंदर अल्टरेशन भी करना अलाउड होता है। ऑब्वियसली बात है, एमओए बेसिकली क्या होता है, तो आपका मेनली कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। जैसे कि हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वैसे कंपनीज का कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है एमओए। एमओए आपको एरियाज बताता है कि इस चीज के अंदर हम डील करेंगे। एमओए के अंदर मल्टीपल क्लॉज मेंशन होते हैं कि किस तरीके से काम करेंगे, कहां उनका ऑफिस होगा, क्या उनका नाम होगा, इस टाइप के सारे क्लॉजेस के प्रोविजन इसके अंदर आए थे। और फिर ये कहा गया था कि जो एमओए है उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिएक्ट करना है, मतलब जो एमओए के अंदर आप बंद गए उसके अकॉर्डिंग ही आप परफॉर्म करोगे, उसके बियॉन्ड जाके आप परफॉर्म नहीं कर सकते। और जो आपका एमओए होगा या फिर एओए होगा, ऑब्वियसली बात है इन कंप्लायंस विद कंपनीज एक्ट होगा, मतलब कंपनीज एक्ट सबसे बड़ी अथॉरिटी होगी, उसके अंडर उसको कंप्लाई करते हुए आप अपना एमओए बनाओगे, और उस एमओए के अंदर आपकी कंपनी के सारे प्रोविजंस कवर हो जाएंगे, उस एमओए के बियॉन्ड जाके कंपनी परफॉर्म नहीं कर सकती। ठीक है, फिर आपने देखा था कि अगर एमओए के बियॉन्ड जाके करती है तो फिर कुछ अल्ट्रावायर और इंट्रावायर का प्रोविजन आया था, उसको भी आगे देखते हैं। देन बात आई थी इसके अंदर क्लॉजेस के ऊपर, क्लॉजेस के ऊपर ऑब्जेक्ट क्लॉज की बात आई थी। ऑब्जेक्ट क्लॉज में बेसिकली क्या कहा गया था कि वो ऑब्जेक्ट जो आपका मेन इंटेंशन है उस कंपनी को क्रिएट करने का, उस ऑब्जेक्ट को मेंशन करते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर, और उस ऑब्जेक्ट के तहत ही हम अपने सारे काम को करते हैं। नेम क्लॉज में बात आई थी कि आपका नाम के अंदर यूज करना पड़ेगा लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड टाइप का वर्ड। प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड जो वर्ड होते हैं ये 2 लोगों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। नंबर 1 इज सेक्शन 8 कंपनी, और एक ऊपर आपका कवर हुआ था जिसको कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी। इन दोनों कंपनीज के अंदर आपको प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड यूज करने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ क्लॉज देखा था आपने, उस ऑफिस के अंदर बेसिकली वो स्टेट होता है जहां से आप मेनली ऑपरेट कर रहे हो, जहां से आपको चाहे रजिस्ट्रार हो चाहे कोई और कंपनी या कोई और पर्सन हो, जो आपको डिलीवर कर सके नोटिस वगैरह, या डिलीवर कर सके आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह, या आपसे कोई भी ट्रांजैक्शन करना है तो उसके लिए कोई दस्तावेज वगैरह तैयार होंगे तो उसमें उस ऑफिस का जिक्र हो सके, तो उसके लिए आपको एक रजिस्टर्ड ऑफिस मेंटेन करना होता है, जिसके ऊपर सेक्शन 12 हमारा अलग से आएगा। तो ये रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज इसके बारे में बात करता है कि वो स्टेट वो लोकेशन जहां से आप ऑपरेट करते हो। ऑब्जेक्ट क्लॉज हमारा बेसिकली कवर हो गया। फिर आपकी बात आई थी लाइबिलिटी क्लॉज की, तो लाइबिलिटी क्लॉज में आपने क्या देखा था कि लाइबिलिटी क्लॉज में क्या हो सकता है। एक होता है आपका लिमिटेड बाय शेयर्स, तो लिमिटेड बाय शेयर्स के अंदर बेसिकली क्या होगा कि जो आपका अनपेड शेयर कैपिटल है उसको पे करने के लिए लायबल होते हैं। लिमिटेड बाय गारंटी की बात आती है, तो लिमिटेड बाय गारंटी में क्या देखा आपने
कि जितना अमाउंट आपने गारंटी किया मतलब अंडरटेक किया एक तरीके से अंडरटेकिंग दी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो उतने के लिए आप लेवल हो कि एट द टाइम ऑफ वाउंड अप आप उस एसेट्स के अंदर उस लाइबिलिटीज वगैरह को पे करने के लिए उतना ही कॉन्ट्रीब्यूट करोगे जितने की आपने अंडरटेकिंग दे रखी है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। फिर बात आती है कि शेयर कैपिटल में एक प्रोविजन इसके अंदर एडिशन आया था कि जो भी आपके शेयर कैपिटल होंगे ऑब्वियसली बात है उनका डिवीजन प्रॉपरली होना चाहिए कि कितने शेयर्स हैं और कितने रुपए का एक शेयर है। कोई भी जो सब्सक्राइबर होगा वो कम से कम एक शेयर लेगा, एक से कम शेयर्स वो नहीं ले सकता। फिर ये ओबीसी वाली सेम रिपीटेशन चल रही है। तो यहाँ पे नेम क्लॉज में आपने फिर एक देखा था एडिशनल नेम क्लॉज में ऊपर की चर्चा आ गई थी, फिर इसके ऊपर और विस्तार से यहाँ पे क्या देखा था कि नेम जो आप अप्लाई करोगे ऑब्वियसली बात है नेम अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या होगा कि आप जो नेम अप्लाई करेंगे वो किसी भी एग्जिस्टिंग कंपनी के आइडेंटिकल या रिसेंबल नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर आपने आगे भी देखा है कि वो इवन दो किसी ट्रेडमार्क से भी आइडेंटिकल या रिसेंबल नहीं होना चाहिए और जो परमिट बेसिकली किए गए हैं आपके नाम उन्हीं नाम के अकॉर्डिंग होगा। कोई अनडिजायरेबल नेम जो होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट मना करता है या फिर किसी लॉ के अंदर वो एज अ ऑफेंस माना जाता है तो उस टाइप के नाम को आप यूज नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे कुछ वर्ड्स आए थे कि इस नाम को जो है बेसिकली प्रिस्क्राइब किया गया है कि इन नाम को आप यूज नहीं करेंगे और यूज करने से पहले आपको क्या लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन। फिर कुछ नाम ऐसे आए थे जिस नाम के लिए उन पर्टिकुलर रेगुलेटरी बॉडी सपोज करें आरबीआई से रिलेटेड नाम है या फिर आईआरडीए से रिलेटेड नाम है सेबी से रिलेटेड नाम है तो उस टाइप के नाम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर रेगुलेटरी बॉडी से परमिशन लेना पड़ेगा कि हम इस टाइप का नाम यूज करने जा रहे हैं। अगर वो परमिशन देंगे तो उसके परमिशन लेटर के थ्रू ही आपका इनकॉर्पोरेशन कंप्लीट हो पाएगा। फिर बात आती है रिजर्वेशन ऑफ नेम की। रिजर्वेशन ऑफ नेम का बेसिकली क्या प्रोसीजर था यहाँ पे तो प्रोसीजर आपको क्या बताया गया था कि आपको नेम अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन मतलब इलेक्ट्रॉनिकली अप्लाई किया जाता है बेसिकली रन का एक फॉर्म था जिसके बारे में आपने पढ़ा था इसके नोट के अंदर कि रन का फॉर्म है जो कि आप वेब सर्विसेज जो एमसीए की साइट है उसमें जाके इस फॉर्म को भरते हो और उस फॉर्म को भरने के बाद जो आप डिटेल वहां पर प्रोवाइड करोगे कि अगर उसको किसी से सिमिलर है तो अप्रूवल लेटर वगैरह भी लगाओगे। फिर रजिस्ट्रार के पास आता है मौका, रजिस्ट्रार चाहे तो उसको अप्रूव कर सकता है चाहे तो उसको रिजेक्ट कर सकता है और रजिस्ट्रार के पास टाइम लिमिट था कितने दिन का 15 दिन का मतलब आपने जो सबमिट किया उसके 15 दिन के अंदर चाहे तो उसको रिजेक्ट कर दे चाहे तो उसको अप्रूव कर दे। एक बार अगर सपोज करो आपको अप्रूव कर दिया गया है तो वो नाम आपके लिए कब तक बरकरार रहता है तो अगर बात करें कि आप नया नया इनकॉर्पोरेशन करने जा रहे हो तो उस केस में 20 डेज तक वो नाम आपके लिए अवेलेबल रहेगा, उसके बाद वो एक्सपायर माना जाएगा। और अगर बात करें कि आप चेंज कर रहे हैं वन कंपनी टू अनदर कंपनी मतलब आपकी कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है और आप नए नाम के लिए अप्लाई किया था क्योंकि आपको नाम बदलना है तो उस केस में वो नाम जो आपके लिए रिजर्व किया गया है वो 60 दिन तक आपके लिए अवेलेबल रहता है फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल। फिर कैंसिलेशन को लेकर बात आई थी, इसके ऊपर आगे भी आगे चर्चा है अलग अलग सेशंस में भी कि कैंसिलेशन के केस में क्या होगा कि अगर आपने इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी तो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन के केस में आपका जो रजिस्ट्रेशन उसको कैंसिल किया जा सकता है और इवन दो उसके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। अगर आपका वो एक बार इनकॉर्पोरेट हो गया है तो उस केस में ऑब्वियसली बात है आपको चेंज करने के लिए कहा जाएगा, चेंज करने के ऊपर 3 महीने का टाइम आपको दिया जाता है। इसको आप और डीपली पढ़ेंगे जब आपका फर्दर ये आएगा सेक्शन नंबर 16 के अंदर जहां पे उसकी चेंजेस की बात आएगी। वहां पे 3 महीने भी और वहां पे 6 महीने का प्रोविजन भी आया है जो कि आप पढ़ चुके हैं सेक्शन 16 के अंदर। अच्छा, यहाँ पे आपका नाम चेंज करने के लिए भी आपको कहा जा सकता है, आपकी कंपनी स्ट्राइक ऑफ भी की जा सकती है और आपको वाइंड अप भी किया जा सकता है आपकी कंपनी को। नाउ ये कुछ एक पॉइंट था कि जो अथॉरिटी जो मतलब रजिस्टर है जो रजिस्ट्रार है जो नेम अलॉट कर रहा है उसको ऑब्वियसली बात है जो रूल्स वगैरह होते हैं उसके बारे में उसको फेयर नॉलेज होनी चाहिए। डोमिशियल क्लॉज वही चीज है जो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज आपने देखा कि जिस जगह से आप ऑपरेट कर रहे हैं जिस स्टेट से आप ऑपरेट कर रहे हैं वो रजिस्टर जो कि बेसिकली काम आता है एज अ परमानेंट एड्रेस ऑफ कंपनी। ऑब्जेक्ट वाइज जिस पर्पज के लिए आपने अपना इनकॉर्पोरेशन किया है। फिर इस पूरे एरिया के अंदर आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आया था जिसको हम कह रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स। ये बेसिकली क्या कह रहा था कि जो आपको पावर्स दी गई मेमोरेंडम के अंदर उसके बियॉन्ड जाके आप काम नहीं करोगे, उसके बियॉन्ड जाके अगर आप काम करते हो तो वही आपका कहलाता है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स जो कि आपका वॉइड होते हैं। उस टाइप की अगर कोई एक्टिविटी परफॉर्म की कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है तो वो वॉइड माना जाता है। तो वॉइड ट्रांजेक्शन के अंदर ना ही कंपनी उसके प्रसू कर सकती है ना ही कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी आपके प्रसू कर सकती है। मेमोरेंडम के खिलाफ जाके अगर आप कोई एक्टिविटी करते हो तो इसके अंदर दो चीजें आती हैं कि नंबर वन कि एक जनरल रूल क्या है कि जो आपके मेमोरेंडम के खिलाफ आप मेमोरेंडम के बियॉन्ड जाके आपने काम किया है उसको आपके मेंबर्स रेटिफाई नहीं कर सकते। बट कोई एक्ट ऐसा है जो डायरेक्टर ने अपनी अथॉरिटी के बियॉन्ड जाके काम किया है मतलब कि डायरेक्टर की कुछ अथॉरिटी थी, डायरेक्टर को कहा गया था कि भैया तुम ये काम कर सकते हो, उसके बियॉन्ड जाके उसने काम कर लिया, लेकिन जो उसने बियॉन्ड जाके काम किया है वो वाला काम आपके मेमोरेंडम के अंदर कहीं ना कहीं कवर होता है, किसी और डायरेक्टर के अंदर कवर होता है, किसी और व्यक्ति के अंदर कवर होता है, बट वो मेमोरेंडम के अंदर कवर होता है तो वो कहलाते हैं हमारे इंट्रावायर्स। वैसे ट्रांजेक्शन्स को वैसी एक्टिविटीज को चाहे तो मेंबर रेटिफाई कर सकती है, रेटिफाई मतलब उसको सही करार दे सकती है मेंबर्स, बट एक बार अगर मेमोरेंडम के बियॉन्ड चला गया तो उसको कोई भी सही करार नहीं दे सकता। इसके ऊपर चर्चा थी आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स की। देन हमारा सब्सक्रिप्शन क्लॉज एक आता है। सब्सक्रिप्शन क्लॉज का बेसिकली मतलब क्या हुआ कि कितने लोगों ने कितना कितना सब्सक्राइब किया है, जो जो सब्सक्राइबर हमारे मेमोरेंडम के अंदर
उन्होंने कितने कितने शेयर्स सब्सक्राइब किए हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें फाइल करनी होती है किसको, रजिस्ट्रार को। फिर बताई थी फॉर्म्स की, टेबल्स की, ये इंपॉर्टेंट था। इसके ऊपर आपने क्वेश्चंस भी चेक किया कि आपने क्वेश्चंस भी इसके ऊपर फ्रेम हो रखे हैं और बड़े ही डिफरेंट टाइप से फ्रेम हुआ था। तो आपके शेड्यूल वन के अंदर बेसिकली आते हैं टेबल्स पांच जो कि मेमोरेंडम के ऊपर है और उसके आगे के पांच टेबल होते हैं जो आर्टिकल के ऊपर है जो इन्होंने एक साथ यहाँ पे दे दिए हैं ए से लेके ई तक। पांच जो है आपके वो एक सिक्वेंस में चलता है। मेमोरेंडम के ऊपर सबसे पहला आता है लिमिटेड बाय शेयर्स, उसके बाद गारंटी आएगा नॉट शेयर कैपिटल, गारंटी आएगा विद शेयर कैपिटल, फिर आएगा अनलिमिटेड नॉट शेयर कैपिटल, फिर आएगा अनलिमिटेड विद शेयर कैपिटल, फिर आर्टिकल की बारी शुरू होती है। आर्टिकल में पहले आएगा लिमिटेड बाय शेयर्स, जैसे कि मैंने आपको याद करने के लिए बताया था कि बीप जो टेबल है उसमें पहले गारंटी जो आता है वो विदाउट शेयर कैपिटल आता है, लेकिन जब हम आर्टिकल की बात करते हैं तो उसमें सेकंड नंबर पे जो गारंटी आता है वो विद शेयर कैपिटल आता है और इस सीक्वेंस में आपको याद हो जाना चाहिए। तो वही आएगा, पहले आपका आर्टिकल आएगा लिमिटेड बाय शेयर्स, फिर आएगा आर्टिकल गारंटी के अंदर विद शेयर कैपिटल, फिर गारंटी के अंदर विदाउट शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड के अंदर विद शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड के अंदर विदाउट शेयर कैपिटल। तो ये सारे आपके प्रोविजंस थे इसके अंदर। फिर एक बात आती है कि यहाँ पे आया था लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, इसके ऊपर भी आगे एक बार और रिपीटेशन आएगी कि अगर गारंटी के थ्रू है कंपनी इनकॉर्पोरेशन हुई है और वहां पे शेयर कैपिटल नहीं है तो ऑब्वियसली बात है जो मेंबर्स होंगे जिन्होंने गारंटी दिया था डिविजिबल वाले प्रॉफिट में सिर्फ उन्हीं का हाथ हो सकता है, उसके अलावा किसी और का नहीं हो सकता। मतलब कि सपोज करो डिविजन ऑफ प्रॉफिट के अंदर किसी आप ऐसे व्यक्ति का भी नाम रखते हो जो कि ऑलरेडी मेंबर नहीं है, जिसने गारंटी नहीं दिया, तो उस केस में ये जो हरकत होगी ये क्या मानी जाएगी, आपकी वॉइड मानी जाएगी, इसको वैलिड नहीं माना जाता। तो ये पूरी बात करता है। द थिंग इज कि ओवरऑल एमओए क्या कहता है, कि एमओए कहता है कि थोड़ा सा मेरे बारे में बता दो कि एमओए क्या होता है, कैसे होता है। फिर एमओए कहता है कि अलग अलग क्लॉजेस के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दो जिसके अंदर इन डेप्थ जानकारी आती है नेम क्लॉज के अंदर। फिर एट लास्ट बात करता है वो किसके बारे में बताने के लिए, आपको डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायलेट के अंदर और साथ में कुछ टेबल्स की जानकारी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एमओए सेक्शन नंबर फोर। अगला आता है आपका सेक्शन नंबर फाइव जो कि बात करता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। बहुत छोटा सा एरिया है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, तो इंटरनली मैनेजमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं उसको कहते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसको कि ओरिजिनली फ्रेम किया जाता है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन और फ्यूचर में उसके अंदर अल्टरेशन करना भी पॉसिबल होता है। बेसिकली इसके अंदर वो सारी बातें लिखी होती है कि किस तरीके से हमारे मैनेजमेंट रेगुलेशंस होगा, किस तरीके से मैनेजमेंट रेगुलेट करेगा। इसके अंदर कुछ और मैटर्स भी इंक्लूड कर सकते हैं जो कि हमारे एडिशनल मैटर्स कहलाते हैं, जो कि प्रिस्क्राइब नहीं किए गए हैं बट हम चाहें कि हमारे मैनेजमेंट को अच्छे से वर्क करने के लिए वो चाहिए तो उस टाइप के मैटर्स भी हम डाल सकते हैं। बेसिक थिंग इज कि जनरल रूल्स हैं तो हम किस तरीके से अपने मैनेजमेंट को ऑपरेट करना चाहते हैं, किस तरीके से हम अपनी कंपनी को रन करना चाहते हैं, उसके लिए हम कुछ भी टाइप के रूल्स वगैरह उसके अंदर फ्रेम कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एरिया आता है इंटरेचमेंट का, जिसके ऊपर आपका सवाल भी था। इंटरेचमेंट का बेसिकली मतलब क्या है कि किसी भी अल्टरेशन को करने के लिए हमें स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसको और कठोर बनाना है तो उसके अंदर हम कुछ ऐसा प्रोविजन इंसर्ट कर सकते हैं कि इस चीज की अमेंडमेंट के लिए आपको अप्रूवल चाहिए सपोज 90%, 95%। ठीक है, ऐसे हरकत करना भी पॉसिबल होता है अगर हम आर्टिकल्स में अपने प्रोविजन डाल रखा है किसका, इंट्रेंचमेंट का। इंट्रेंचमेंट के प्रोविजन के लिए आपको जनरल बातें क्या ध्यान रखनी है कि स्पेशल रेजोल्यूशन, सॉरी इंट्रेंचमेंट जो आपका प्रोविजन आर्टिकल के अंदर इंसर्ट किया जाएगा वो कब किया जाएगा, या तो ओरिजिनली एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन जब आपका ओरिजिनली फ्रेम किया गया था आर्टिकल तब कर सकते हो, बाद में अल्टरेशन के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन अल्टरेशन के थ्रू जब आप करोगे तो अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें तो उनको अगर इंट्रेंचमेंट का प्रोविजन डालना है तो सारे मेंबर्स की सहमति वहां पे होनी चाहिए। नंबर टू, अगर पब्लिक कंपनी को इंट्रेंचमेंट का प्रोविजन डालना है बाद में After incorporation, तो उस केस में उनको स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए वहां पे उस प्रोविजन को इंसर्ट करने के लिए, और वो जो प्रोविजन आप इंसर्ट करोगे ऑब्वियसली बात है उसकी नोटिस किसको दोगे, रजिस्ट्रार तक भी पहुंचाओगे। तो ये इंट्रेंचमेंट आर्टिकल के अंदर इकलौता बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एरिया है। नाउ इसको टेबुलर बताया गया था, इसके एग्जांपल थे कुछ यहां पे। देन फॉर्म्स एंड आर्टिकल्स की बात आती है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। मॉडल आर्टिकल्स का बेसिकली मतलब वही था कि कुछ मॉडल्स जो आपके एक्ट प्रिस्क्राइब करता है कि इस टाइप के आप आर्टिकल्स को फॉलो कर सकते हो। फिर इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया आता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का। इंडोर मैनेजमेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जो आउटसाइडर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए डॉक्ट्रिन है, जो कि ये कहता है कि जो इंटरनल मैटर्स हैं कंपनी के उससे बाहर वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये प्रिज्यूम करके चलता है कि जो इंटरनल मैटर्स हैं वो सारे प्रॉपरली ऑपरेट हो रहे हैं, उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, और वो इसको फॉर ग्रांटेड लेके चलता है, उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है। लेकिन इसको लेके कुछ एक्सेप्शन था। एक्सेप्शन ये था कि अगर उसको लगता है कि नॉलेज है उसको इरेगुलरिटी की या कहीं से कुछ सस्पिशंस है और वो उस पर नेग्लिजेंस दिखाता है तो उस केस में उसके ऊपर डॉक्ट्रिन नहीं लगेगा, मतलब नॉलेज इरेगुलरिटी पे नहीं लगेगा। अगर उसको कोई सस्पिशंस था, उसको कोई लूपहोल्स थी, कुछ जानकारी ऐसी मिली थी या शक था और उसने थोड़ी सी भी एफर्ट्स नहीं किया उसको जानने के लिए, तो उस केस में भी नहीं मिलेगा। और तीसरा आता है आपका फ्रॉड, कि फ्रॉड के केस में नहीं मिलेगा। इसी के साथ साथ एक टर्म यहाँ पे और यूज किया था जिसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ये बेसिकली जस्ट अपोजिट होता है इंटरनल मैनेजमेंट के। इंटरनल मैनेजमेंट जो है वो है प्रोटेक्ट करने के लिए आउटसाइडर को अगेंस्ट दी कंपनी, ताकि अगर कंपनी कोई मिस एक्टिविटीज कर रही हो और उसके बारे में उसको नॉलेज नहीं हो तो कल को वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। लेकिन कंस्ट्रक्टिव नोटिस बेसिकली ये कहता है कि भैया कुछ जानकारी ऐसी होती है जो कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, जो कि आप आराम से एक्सेस कर सकते थे, तो उसकी नॉलेज भी अगर आपको नहीं थी,
अगर उसकी वाली में भी आपको नॉलेज नहीं थी और आपने हमसे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कल को आप कहते हो कि हमने बताया नहीं, तो हम बताने के लिए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए थी, ऐसा हम एज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, तो ये बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, विच इज जस्ट अपोजिट टू डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ठीक है, तो बेसिकली ये कंपनी के प्रोडक्शन के लिए होता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो ये सेक्शन 4 आपका बताता है। इसके बाद आपने देखा था, सॉरी सेक्शन 5, इसके बाद आया था आपका सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 6 बात करता है एक्ट टू ओवरराइड मेमोरेंडम आर्टिकल्स ईटीसी। बेसिकली इसके अंदर क्या बातें थी कि जो भी आपको का मेमोरेंडम होगा, आर्टिकल होगा, वो आपके एक्ट के बियॉन्ड नहीं जा सकता, मतलब विद इन एक्ट ही रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, मेमोरेंडम आर्टिकल या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स, आप कोई रेजोल्यूशन वगैरह होंगे, वो सारे जो होंगे वो एज पर एक्ट होने चाहिए, कंपनीज एक्ट होने चाहिए, उसके बियॉन्ड, उसके प्रोविजंस के खिलाफ नहीं होने चाहिए। अगर उसके खिलाफ कुछ होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो वाइड माना जाएगा। लेकिन इसमें एक टर्म था बहुत इंपॉर्टेंट, सेव एज अदरवाइज, इसके ऊपर भी आपका एक सवाल फ्रेम हुआ एट द एंड। वो क्या था कि सेक्शन नंबर 47 जो है वो ये कहता है कि भैया जो वोटिंग पावर्स होंगी मेंबर्स की, वो सेक्शन 47 के अकॉर्डिंग होगी एंड एज वेल एज पर आर्टिकल होगा, मतलब आर्टिकल जो डिसाइड करेगा उसके अकॉर्डिंग ही वोटिंग पावर डिसाइड की जाएगी। तो मतलब बेसिकली क्या हुआ कि एक्ट ने खुद सेक्शन 47 ने परमिशन दे दी किसको, हमारे आर्टिकल को, कि आर्टिकल चाहे तो उसको और स्ट्रॉन्ग बना सकता है, उसको कैसे भी प्लस माइनस कर सकता है। तो ऐसी टाइप की अगर कोई चीज होती है तो उस केस में माना जाएगा कि आर्टिकल जो है वो सुपीरियर हो गया। तो मतलब इसलिए सेव एज अदरवाइज है कि अगर एक्ट में ही कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर चाहे तो ऐसा लिख के इस तरीके से एक्टिविटी की जा सकती है, तो उस केस में उस एक्ट ने ही उसको पावरफुल बना दिया, तो उस अकॉर्डिंग वो सुपीरियर वहां पे माना जाएगा एंड बाकी सभी जगहों पर हमारा एक्ट सुपीरियर होता है। तो ये आपकी थी चर्चा यहाँ पे सेक्शन 6 तक। फिर सेक्शन 7 आपका आया था इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। अब हमने देखा फॉर्मेशन, फॉर्मेशन में क्या थे बेसिक रिक्वायरमेंट, इनकॉर्पोरेशन में बेसिकली क्या है प्रोसीजर्स कि किस तरीके से हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट की जा सकती है। तो इसके अंदर स्टेप्स की बात आई थी कि क्या स्टेप्स होने चाहिए आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए। तो सबसे पहले आप नाम रिजर्वेशन करोगे, नाम रिजर्वेशन करने के बाद आप एमओए वगैरह को ड्राफ्ट करोगे, साइन करोगे और सबमिट करोगे आरओसी को। इसके साथ कुछ एडिशनल चीजें और भी थी क्या कि जो भी पर्सन को डायरेक्टर बना रहे हैं उसका एक कंसेंट लेटर लेंगे टू एक्ट एज अ डायरेक्टर, वो डायरेक्टर बनने में उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो राजी है, इसका एक कंसेंट लेटर होना चाहिए। उसके बाद कुछ स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशंस होते हैं कि उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं कर रखी, कोई भी नॉन फाइलिंग नहीं कर रखी, कोई भी उसके ऊपर अपराध वगैरह के आरोप वगैरह नहीं है पेंडिंग, इस टाइप की चीज के ऊपर एक डिक्लेरेशन भी आती है। ऑब्वियसली बात आप फीस पे करोगे, स्टैंप ड्यूटी पे करोगे, उसके बाद आरओसी के पास सारे डॉक्यूमेंट जाएंगे, वो उनको सभी से अच्छे से वेरीफाई करेगा, अगर उसको लगेगा कि ये सारे एज पर एक्ट है तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। आपको डिक्लेरेशन भी एक फाइल करनी होती है अबाउट रजिस्टर्ड ऑफिस, या आप सेक्शन 12 में भी देखेंगे कि इनकेस अगर आपने कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन हासिल किया है तो उसके बाद आप कमेंसमेंट करने से ऊपर 10A के अंदर इसकी क्लेरिफिकेशन है, कमेंसमेंट करने से पहले आपको रजिस्टर्ड ऑफिस की डिक्लेरेशन जो होगी वो भी फाइल करनी है रजिस्ट्रार को कि भैया रजिस्टर्ड ऑफिस हमारा ये है और हम बिजनेस कमेंस करने जा रहे हैं, और वो सर्टिफाई होने के बाद ही आप बिजनेस कमेंस कर सकते हैं। तो न्यू रिक्वायरमेंट बेसिकली वही है 10A के अंदर, इसको हम सेपरेट डिस्कस कर लेंगे। फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट विद रजिस्ट्रार, तो इसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट आप फाइल करते हो, तो ये पूरी लिस्ट है, मेमोरेंडम जाएगा, आर्टिकल जाएगा, डिक्लेरेशन जो आपका पर्सन इंगेज हुआ वो जाता है। ऑब्वियसली बात है जो डिक्लेरेशन जाएगी इसमें क्या होगा, जो फॉर्मेशन में लोग इंगेज हैं इसको सर्टिफाई करते हैं, सर्टिफाई करने के लिए कौन कौन लोग आते हैं आपके एडवोकेट, सीए, सीएस, सीएमए, इसके अंदर जो इन प्रैक्टिस होंगे वो इम्पावर्ड है इस काम को करने के लिए। उसके बाद साथ ही साथ में जो पर्सन जिसका नॉमिनेशन किया गया होगा आर्टिकल के अंदर, जो हम बेसिकली कहते हैं डायरेक्टर मैनेजर या फिर सेक्रेटरी होते हैं कंपनी के, वो भी इसको क्या करेंगे, सर्टिफाई करेंगे कि सारे प्रोविजंस वगैरह जो भी एक्ट के हैं वो प्रॉपर यहाँ पे कंप्लाई किए गए हैं। फिर डिक्लेरेशन ली जाती है हमारे हर एक सब्सक्राइबर से और फर्स्ट डायरेक्टर से, किस चीज की, कि वो कन्विक्टेड नहीं है किसी भी प्रमोशन या फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एनी कंपनी, कोई भी गिल्ट या फिर किसी भी चीज के लिए वो पिछले 5 सालों में कोई भी इस टाइप की कोई एक्टिविटी नहीं करी है, किसी भी चीज में वो गिल्टी नहीं पाए गए हैं, और जितनी भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो सारे के सारे करेक्ट एंड कंप्लीट है, उनकी नॉलेज के हिसाब से उनके अकॉर्डिंग कोई भी चीज यहाँ पे इनकम्प्लीट नहीं है। फिर बात आती है उनकी पर्टिकुलर्स की, उनकी पर्सनल पर्टिकुलर्स की, तो पर्सनल पर्टिकुलर्स में बेसिकली क्या होगा, जितने भी सब्सक्राइबर है उसका नाम, सरनेम, नेशनैलिटी और जो भी उनकी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होगी वो साथ में हमें फाइल करनी होती है रजिस्ट्रार को कि ये लोग सब्सक्राइबर है, इनका नाम ये है, सरनेम ये है, नेशनैलिटी ये है और ये इनका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है। बात करते हैं अगर हम फर्स्ट डायरेक्टर की, फर्स्ट डायरेक्टर में भी सारे सेम चलेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन सब्सक्राइबर की देनी होगी, अलॉन्ग विद दैट हमें एक और इन्फॉर्मेशन देनी होती है जिसको हम बोलते हैं डिन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो आपको और प्रोवाइड करना होता है। साथ में आपको मतलब जो भी आपके फर्स्ट डायरेक्टर है उसको डिक्लेरेशन और देनी होती है क्या कि उसका इंटरेस्ट नहीं है किसी और कंपनीज में, अगर है तो उसका भी वो कंसेंट लेटर बना के देगा कि वो और किस किस फॉर्म में इंटरेस्टेड है, मतलब किस किस में उसकी डायरेक्टरशिप चल रही है या किस किस में वो सब्सक्राइबर है वगैरह वगैरह, मतलब किस किस कंपनीज या फॉर्म में उसकी इन्वॉल्वमेंट है, उसका भी एक डिक्लेरेशन यहाँ पे फाइल होता है कि कहाँ कहाँ पे उसका इंटरेस्ट एग्जिस्ट करता है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन।
रजिस्ट्रार सारी चीजों को चेक करेगा, उसके बेसिस पर आपको क्या इशू कर देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसके अंदर मौजूद होता है एक सिन नंबर, जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, जो बेसिकली डिस्टिंक्ट नंबर होता है जो उस कंपनी की अपनी एक पहचान बताता है। जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल किए हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड की है, वो सारे के सारे आप मेंटेन करके रखोगे कब तक, जब तक आपका फॉर्म डिसॉल्व नहीं हो जाता। अगर आपने कोई भी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है तो उसके ऊपर आप लायबल होगे। अगर आपको नॉलेज थी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन की तब भी आपने प्रोवाइड की, तो ऑब्वियसली बात है आपके पास सेक्शन 447 का फ्रॉड का प्रोविजन यहाँ पे आपके ऊपर लग जाता है। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी जो आपने छुपाई है, इनकरेक्ट दी है, तो उसके अंदर क्या होगी, तो आपको कंपनीज के ऊपर, डायरेक्टर्स के ऊपर वगैरह, मतलब अलग से भी आपकी कार्रवाई होती है। जो ट्राइब्यूनल है वो क्या कर सकता है, आपके नाम को चेंज करने की आपको अनुमति, मतलब आपको ऑर्डर दे सकता है कि आप अपने नाम को चेंज करो, आपकी जो लाइबिलिटीज है उसको अनलिमिटेड करवा करा सकता है, आपकी कंपनी को बंद कर सकता है, आपके नाम को रिमूव कर सकता है। इस टाइप के सारे पावर्स होते हैं किसके पास, ट्राइब्यूनल के पास। ऑब्वियसली बात है सारी एक्टिविटी को करने से पहले वो आपको देगा क्या, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। उसके बाद एक चर्चा आई थी स्पाइस की, एक सिंप्लीफाइड बेसिकली परफॉर्मा है ताकि जिसके थ्रू आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सके, जिसके अंदर मल्टीपल फॉर्मेलिटीज नहीं करनी होती, एक सिंगल फॉर्म भरते हैं, उसके थ्रू आपको नाम भी मिल जाता है, डेम भी मिल जाता है और कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है। फिर बात आई थी इनकॉर्पोरेशन ऑफ ओपीसी की, ओपीसी के अंदर आपने क्या देखा कि ओपीसी के अंदर थोड़ी सी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, किस बारे में लेके, कि यहाँ पे एक नॉमिनी का प्रोविजन आता है कि इंडिकेट करेंगे नॉमिनी, नॉमिनी के बारे में आपको सारा कुछ वैसे डिस्कस कर दिया है तो मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे कुछ एडिशनल चीज आई थी कि जो नॉमिनी या फिर जो मेंबर होगा वो ऑब्वियसली बात है नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए और रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। रेजिडेंट होने के लिए दिन चाहिए आपको 182 डेज या उससे ज्यादा। कोई भी पर्सन ऐसा है जो कि ऑलरेडी किसी कंपनी में मेंबर है या किसी कंपनी में नॉमिनी है तो वो ओपीसी दूसरी ओपीसी स्टार्ट नहीं कर सकता, मतलब ओपीसी के अंदर जो मेंबर होगा वो एक ही कंपनी में हो सकता है और किसी कंपनी में नहीं हो सकता, जो नॉमिनी होगा वो एक ही कंपनी में हो सकता है, किसी और कंपनी में नहीं हो सकता। जो माइनर है वो मेंबर हमारे नहीं बन सकते। जो हमारी ओपीसी होती है उसको सेक्शन 8 कंपनी में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसको प्राइवेट या पब्लिक के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है सब्जेक्ट टू सर्टेन प्रोविजंस। जो एक रेस्ट्रिक्शन होती है हमारे ओपीसी के अंदर वो सबसे बड़ी यही होती है कि वो एनबीएफसी की ट्रांजैक्शंस, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं कर सकते। ओपीसी को जब कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है उसके कितने साल पूरे हो जाने चाहिए, मिनिमम 2 ईयर्स उनकी कंप्लीट हो जाने चाहिए। लेकिन अगर सपोज करो उनकी कैपिटल जो है वो बियॉन्ड 50 लाख है, उनका टर्नओवर जो है वो बियॉन्ड 2 करोड़ से, तो उस केस में 2 साल होना पुराना, 2 साल पूरा होने की कोई आवश्यकता नहीं होती, 2 साल से पहले भी वो कन्वर्ट कर सकते हैं। इनकेस देयर कैपिटल एक्सीड 50 लाख रुपीज एंड देयर टर्नओवर एक्सीड 2 करोड़ रुपीज। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 7। नाउ आया था आपका सेक्शन नंबर 8, जिसमें बात आ रही थी फॉर्मेशन ऑफ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स की। इसके अंदर बेसिकली क्या था कि चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो। इसका मेन पर्पस क्या होता है कि आप ऑब्जेक्ट, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट को प्रमोट करोगे, प्रॉफिट अगर होगा तो उसको उसी ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने में लगाओगे और डिविडेंड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे। ये बेसिकली समराइज था सेक्शन 8 का। फिर बात आती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे आपको लाइसेंस दे सकता है, अगर उसको ये लगता है कि हाँ भैया आप इसी एक्टिविटी के तहत सारी चीजें, सारे प्रोविजन को फॉलो करते हुए काम कर रहे हो, अगर आपको लाइसेंस मिल जाएगा तो उस केस में आपको नाम के अंदर प्राइवेट लिमिटेड लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद बात प्रिविलेज को लेकर आई थी, तो प्रिविलेज ऑब्वियसली बात है लिमिटेड कंपनी के सारे प्रिविलेज फॉलो करोगे। आप अल्टरेशन अगर करना चाहते हो मेमोरेंडम या आर्टिकल के अंदर तो वो नहीं कर सकते अनलेस अदरवाइज कि आपके पास अप्रूवल हो किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का। मतलब सेक्शन 8 कंपनी को अगर कुछ भी अल्टरेशन या कोई भी चेंजेस करनी है इसके अंदर मेमोरेंडम या आर्टिकल के अंदर, तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले उसको अप्रूवल लेनी पड़ेगी किसे, सेंट्रल गवर्नमेंट से। उसके बाद बात आती है कि अगर वो कन्वर्ट करना चाहती है सपोज करो अपनी कंपनी को, तो कन्वर्जन भी क्या है, तरीके का अल्टरेशन ही है, तो अल्टरेशन जब उसको कन्वर्जन करना होगा तो उसके अंदर भी आपको क्या करने पड़ेंगे, कंप्लाई करने पड़ेंगे प्रोविजन। प्रोविजन कंप्लाई करने का मतलब क्या हुआ कि जब आप नाम को कन्वर्ट करोगे तो अल्टरेशन होगा किसका, एमओई के अंदर अल्टरेशन होगा, एमओई के अंदर तो आपको क्या चाहिए, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल। तो कहीं ना कहीं घूम फिर आ गया कि अगर आपको कंपनी को कन्वर्ट भी करना है तो उस केस में आपको क्या चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए। नंबर वन। नंबर टू, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा और उसकी भी फाइलिंग करोगे किसको, रजिस्ट्रार। आपका लाइसेंस रिवोक करने के ऊपर सवाल बहुत अच्छे तरीके से आया हुआ है कि रिवोक कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उसको ऐसा लगता है कि आप कोई भी एक्ट के या प्रोविजन को, किसी भी चीज को वायलेट कर रहे हो। तो अगर वो ऐसा रिवोक करेगी तो सबसे पहले रजिस्ट्रार जाएगा और रजिस्ट्रार क्या करेगा, आपके नाम से वो मतलब नाम के अंदर चेंजेस करेगा और उसके अंदर लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड को एड कर देगा। पर ये दोनों एक्टिविटी होने से पहले ऑब्वियसली बात है आपको एक नोटिस सर्व किया जाएगा जिसके अंदर आपको दिया जाएगा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। एक बार आपका लाइसेंस रिवोक हो गया तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो आपकी कंपनी को वाउंड अप भी कर सकती है, अगर चाहे तो उसको अमलगमेंट भी कर सकती है। और ऑब्वियसली बात है इस एक्टिविटी को करने से पहले भी वो आपको क्या देगी, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अगर वो अमलगमेंट करती है, अमलगमेंट किसी ऐसी कंपनी के साथ करेगी जो कि सेक्शन 8 के अंदर ही रजिस्टर्ड हो और उसका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए जो आपकी कंपनी का था। अगर वो वाइंड अप करती है तो वाइंड अप करने के अंदर अगर सपोज को आपका एसेट बच जाता है कि उसको एसेट को वो ट्रांसफर कर सकती है किसी भी सिमिलर कंपनी को जो कि रजिस्टर्ड है ऑब्वियसली सेक्शन 8 के अंदर, उसका ऑब्जेक्ट सेम है, या फिर वो उस एसेट्स को बेच सकती है और उसका जो प्रोसीड्स आएगा उसको वो ट्रांसफर कर सकती है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी फंड के अंदर, जो कि बनाया जाता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के अंडर। देन बात आती है पेनल्टी को लेकर, तो पेनल्टी में आपको थोड़ा बहुत प्रोविजन था, इसको आप ध्यान रख सकते हो। एज सच
ये उसको स्पेशली बताया गया, ये एक्सेप्शन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में कि सेक्शन 8 कंपनी को क्या एक्सेप्शन मिलती है, अदर कंपनी से क्या कुछ विशेष माना जाता है इसके अंदर। तो ये क्या कर सकती है, अपनी जनरल मीटिंग को 14 दिन में बुला सकती है इंस्टेड ऑफ 21 दिन। इंपॉर्टेंट सवाल है, अब तो क्वेश्चन आंसर में भी पूछा गया था। नंबर टू आता है कि जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है इनके ऊपर अप्लाई नहीं होती, मतलब मिनिमम इतने डायरेक्टर चाहिए, इतने डायरेक्टर चाहिए, इतने डायरेक्टर चाहिए, ऐसा कोई प्रोविजन इनके ऊपर नहीं लगता। और उसके बाद आती है दो कमेटी के ऊपर कि इनको ये वो कमेटी बनाने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें हम कहते हैं एनआरसी नॉमिनेशन एंड नॉमिनेशन कमेटी, और दूसरा आता है आपका शेयर होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी। तो ये टाइप की दो कमेटी है, ये दोनों बनाने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये तीन एक्सेप्शन है बेसिकली, ये उसको समराइज किया गया था, ऐसा जिसमें डील करने की जरूरत नहीं है। अगला आता है आपका सेक्शन नंबर 9, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन हो गया तो उससे क्या होगा, तो बेसिकली रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपने क्या देखा था कि जो भी फीचर्स होते हैं सारे आपके कंपनी के वो सारे आपको मिल जाएंगे। नथिंग इज लिमिटेड, लाइबिलिटी हो जाएगी आपकी, परपेचुअल सक्सेशन हो जाएगा, आप कंपनी के बिहाफ पे प्रॉपर्टी वगैरह परचेज कर सकते हो, कोई आपको सू कर सकता है, आप कंपनी के नाम से किसी को सू कर सकते हो, इस टाइप की सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिल जाती है। जो भी आपके मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे बॉडी कॉर्पोरेट माने जाएंगे उस दिन से जिस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, जो भी उसके कंपनी के मेंबर्स होंगे। तो ये सिंपल एक सेक्शन था, नथिंग दैट मच इंपॉर्टेंट। इसमें थोड़ी सी चर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की आई थी, इसको भी आप ध्यान रख सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की अगर होल्डिंग है आपकी कंपनी के अंदर, दैट डजंट मीन कि वो आपके एजेंट होंगे, वो आपके एजेंट नहीं है। अगर उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है, वहां पर प्रेसिडेंट जो है वो आपका शेयर होल्डर है, तो उसके इसमें दैट डजंट मीन कि वो जो होगा वो आपका एजेंट माना जाएगा, कंपनी स्टिल आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, वो अपनी तरीके से परफॉर्म करेगी। तो ये सेक्शन 9 था आपका। नाउ सेक्शन 10 आपका आता है, सेक्शन 10 था इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। ये सेम चला है जैसे इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन था कि मेमोरेंडम आर्टिकल होगा तो उसके इसमें क्या होगा, तो बहुत छोटी सी बातें थी, दो एरिया में कवर हो गया था कि बेसिकली कंपनी जो है वो लायबल होगी किसके लिए, मेंबर के लिए। मेंबर जो होगा वो लायबल होगा किसके लिए, कंपनी के लिए, और जो मेंबर्स होंगे वो आपस में लायबल नहीं होंगे किसी भी एक्टिविटी के लिए। मतलब कहीं ना कहीं एक तरीके से एग्रीमेंट बन गया मेंबर्स का और किसका, कंपनी का। मेंबर कंपनी ने जितनी चीजों को ऑथराइज किया है मेंबर उसी चीज को परफॉर्म करेगा, और उसके बियॉन्ड जाके करेगा तो उसके लिए वो सेल्फ लायबल है। उतनी चीजों को परफॉर्म करता है तो ऑब्वियसली बात है उसके अंदर अगर कोई कॉन्ट्रडिक्शन होती है तो उसके लिए ऑलरेडी कंपनी ही लायबल होगी। तो दोनों का आपस में एक तरीके से क्या बन गया, रिलेशन यहाँ पे स्टेब्लिश हो गया है। फिर दूसरा पॉइंट में यहाँ पे कहता था क्या कि जो भी मेंबर से पैसा रिकवर करना है वो कंपनी उस तरीके से रिकवर कर सकती है जैसे वो किसी से डेट रिकवर कर रही है। तो अगर कोई अरियर वगैरह है यहाँ पे तो उसको आराम से वो रिकवर किया जा सकता है कंपनी के द्वारा, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला पॉइंट आया था आपका 10A। 10A बात कर रहा है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में बेसिकली दो एरिया को डील किया जाता है। नंबर वन कि जितनी भी आप बिजनेस को कमेंस नहीं कर सकते जब तक जितने सब्सक्राइबर ने आपके शेयर्स को सब्सक्राइब किया था उसकी पेमेंट उसने ना कर दी हो, और उसका डिक्लेरेशन आपको फाइल करना होता है 180 डेज के अंदर, 180 दिन के अंदर आपको ये डिक्लेरेशन देना है कि जितने भी सब्सक्राइबर थे उन सबके पैसे आ गए। नंबर वन। नंबर टू, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस आपका पहले से वेरीफाइड नहीं था तो उसके लिए भी आप फाइलिंग करोगे अपनी वेरिफिकेशन कराने के लिए कि ये मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस है, इसको मैंने एस्टेब्लिश किया है, और उसकी इन्फॉर्मेशन आप इसको दोगे, रजिस्ट्रार को दोगे, ठीक है। इनके साथ ऐसा नहीं करते तो उसके लिए कुछ पेनल्टी प्रोविजन था, उसको आप आराम से रीड कर लोगे। और अगर आपने ए नंबर के जो क्लॉज था उसकी डिक्लेरेशन फाइल नहीं की, ए नंबर मतलब कि पैसे की पेमेंट की अगर नहीं आई तो कंपनी जो रजिस्ट्रार है वो ये भी अज्यूम कर सकता है कि आपका जो बिजनेस है वो ऑपरेट ही नहीं हो रहा, उसके अंदर ऑपरेशन होने की कोई संभावना नहीं है, और इसके बेसिस पे वो चाहे तो आपके नाम को रिमूव, मतलब कंपनी के नाम को रिमूव भी कर सकता है रजिस्टर से। तो ये पावर भी वो अपने पास रखता है यहाँ पे। ओके, फिर वही है कि अगर कोई आपने अलग से अप्रूवल वगैरह भी किसी रेगुलेटरी से लिया हुआ है तो उसकी भी फाइलिंग आपको साथ में इसके साथ करनी होती है। दैट नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। देन 11 आपका था, नहीं 12 आपका आता है रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर। रजिस्टर्ड ऑफिस अगेन इंपॉर्टेंट। रजिस्टर्ड ऑफिस बेसिकली क्या है कि आपका एक बार रजिस्टर्ड ऑफिस इनकॉर्पोरेट हो जाएगा तो वो क्यों जरूरत होती है उसकी, ताकि वो आपका फिजिकल ऑफिस की तरह इंटरप्रेट किया जाता है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर सर्व करने हो आपको तो वो आपके रजिस्टर्ड ऑफिस भी किया जाता है। रजिस्टर्ड ऑफिस जो होगा वो आपका एक परमानेंट ऑफिस होना चाहिए, पीओ बॉक्स नंबर नहीं चलेगा, वहां पे एक बंदा मौजूद होना चाहिए और जो ऑफिस वर्किंग आवर में उसको ओपन रखे और वो कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह को रिसीव कर सके। जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो आपका हेड ऑफिस भी हो सकता है या कॉर्पोरेट ऑफिस भी हो सकता है या उससे अलग भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं हेड ऑफिस जो है हमारा, रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो डोमिसाइल बताने में भी मदद करता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट वो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट बताने में मदद करता है। मतलब कि कोई भी अगर डिस्प्यूट वगैरह राइज होती है तो किस ज्यूरिसडिक्शन के कोर्ट में वो जाएगा, कहां सेटल होगी उसकी बात, तो वो आपका आइडेंटिफाई होगा उस बेसिस पे जिस बेसिस पे आपका, मतलब जहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टेब्लिश होगा। अच्छा जी, रजिस्टर ऑफिस जो आपका एस्टेब्लिश करेगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको कितने दिन के अंदर देनी होती है, तो 30 डेज का टाइम ड्यूरेशन है जिसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है, उसकी वेरिफिकेशन की जाएगी। उसके बाद लेबलिंग को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। लेबलिंग को लेकर अच्छे अच्छे पॉइंट्स ये हैं कि जो भी आपका कंपनी का नाम होगा उसको आप या तो आप फ्लेक्स के थ्रू या पेंट के थ्रू उसका नाम एड्रेस अपने सारे ऑफिस के बाहर चिपका के रखोगे जहां पे भी आपका बिजनेस चल रहा है, और वो उस लैंग्वेज में होना चाहिए जो कि उस लोकेलिटी की लैंग्वेज है, ताकि वहां के लोग उसको पढ़ सके, आइडेंटिफाई कर सके। फिर बात आ रही थी कि आपका अगर ऑफिशियल सील आप मेंटेन करते तो उसके अंदर भी आप उस नाम को यूज करोगे। नेम और एड्रेस जो होगा आपका वो सारी उन जगहों पर यूज किया जाएगा जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपके
लेटर हेड्स वगैरह होते हैं, बिल हेड्स वगैरह होते हैं, पेपर्स वगैरह जो भी इस तरीके से आप कोई भी कम्युनिकेशन चीज के लिए यूज करते हैं, तो वहां पर आपका नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल, फैक्स, इस टाइप की जो भी नेसेसरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है वो सारी वहां पे मौजूद होनी चाहिए। फिर बात आती है नेम चेंज के ऊपर, कि अगर आपने नेम चेंज कर लिया, इसके ऊपर आपका सवाल आया था क्या, कि अगर आपने नेम चेंज कर लिया तो उसके हिसाब से आपको 2 साल तक टाइम लिमिट मिलता है कि आप अपने नए नेम को भी लिख सकते हो, साथ में अपने फॉर्मर नेम को भी वहां पे लिख सकते हो, साथ में ये दर्शाते हुए कि पहले हम इस नाम से जाने जाते थे, अब हम इस नाम से जाने जाते हैं। तो इसके लिए जो आपका टाइम ड्यूरेशन है वो कितना है, 2 साल। ये सवाल में आया हुआ है, यहाँ पर हमें 1 साल का ऑप्शन था, उसको ध्यान रखना आपको 1 साल नहीं है, 2 साल है। बात आती है ओपीसी की, ओपीसी को क्या करना पड़ेगा, तो ओपीसी को अपने नाम के साथ साथ ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा, 1% कंपनी, इट इज अगेन मैंडेटरी पॉइंट। नोटिस टू रजिस्ट्रार, तो ये तो आपका पॉइंट आ ही गया कि रजिस्ट्रार को आपको नोटिस देना देना है। अगर आप चेंजेस वगैरह करते हो तो वो कर सकते हैं, पर उसके लिए आपकी रेजोल्यूशन पास करनी है, उसको लेकर अलग से आपका प्रोविजन निकल के आता है, जो प्रोविजन को हम यहाँ पर डील करेंगे इस पैराग्राफ के थ्रू। क्या कहा गया था इसके अंदर, कि अगर आप विदिन सिटी करते हो, मतलब गली मोहल्ला आपने बदला है, तो उसके हिसाब से सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो और नोटिस दे दो रजिस्ट्रार को, 3 दिन के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, आप स्टेट के अंदर पास मतलब शिफ्ट कर रहे हो, लेकिन एक सिटी से दूसरी सिटी में गए और आपका रजिस्ट्रार चेंज नहीं हुआ, रजिस्ट्रार अगर चेंज नहीं हुआ तो स्पेशल रेजोल्यूशन और नोटिस दो आरएससी को बात खत्म हो जाती है। लेकिन सपोज पर आपका रजिस्ट्रार चेंज हो जाता है तो सेकंड हायर अथॉरिटी कौन आ जाएगी रजिस्ट्रार के बाद, आपका रीजनल डायरेक्टर आ जाता है। तो उसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन तो फाइल करना ही करना है, परमिशन लेनी पड़ेगी रीजनल डायरेक्टर से इस चेंज के लिए, और उसके बाद यहाँ पे आप एप्लीकेशन दोगे रीजनल डायरेक्टर को, 30 दिन का आपको टाइम मिलेगा, 30 दिन का रीजनल डायरेक्टर आपको आपकी एप्लीकेशन पर परमिशन भी दे सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। उसके बाद 60 दिन के अंदर आप फाइलिंग करोगे रजिस्ट्रार को विद दैट परमिशन लेटर, और फिर रजिस्ट्रार उसको अप्रूव करेगा, 30 दिन के अंदर आपको वो सर्टिफाई कर देगा। सर्टिफिकेशन होना जरूरी है क्योंकि वो एक कंक्लूसिव एविडेंस होता है कि ये चेंज हुआ था और वो वैलिड था। बात करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आपको जाना है तो उसके इसमें क्या प्रोविजन है, तो बेसिकली वो प्रोविजन जो है वो सेक्शन 12 डील नहीं करता, वो डील होता है हमारा सेक्शन नंबर 13 में अल्टरेशन ऑफ एमओए के अंदर। ठीक है, वो क्या बेसिकली कहता है कि स्पेशल रिजोल्यूशन फाइन करना है और उसके इसमें आपका अप्रूवल चाहिए किसी सेंट्रल गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट आपका अप्रूवल देगा 60 दिन के अंदर, सब्जेक्ट टू सर्टेन प्रोविजन जो कि हम 13वें सेक्शन में भी देख लेंगे। देन आप फाइल करोगे रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार आपको 30 दिन के अंदर सर्टिफाई करके देगा। ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे आपको नया सर्टिफिकेट इन्फॉर्मेशन मिलता है उस नए वाले स्टेट से जहां पे आप गए हो, और जिसकी फाइलिंग आपको करनी होती है डॉक्यूमेंट्स की, वो आप दोनों स्टेट में करोगे, पुराने स्टेट में भी और नए स्टेट में भी, जो कि सेक्शन 13 आपको अलग से बताएगा। फिर डिफॉल्ट करते हैं, तो उसके लिए कुछ प्रोविजंस हैं जो डिफॉल्ट के बारे में। नाउ अगला आता है हमारा सेक्शन नंबर 13 के ऊपर, काफी सारे सवाल थे तो ये काफी सारे जगहों से रिलेट कर रहा है। चलिए 13 आपका आता है अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कई सवाल इसके ऊपर आपके आए। अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम में बेसिकली क्या बात करेगा, तो अल्टरेशन आप क्या किन चीजों में कर सकते हो, तो आप 4 क्लॉजेस के अंदर अल्टरेशन कर सकते हो। तो मैं इसको यहां से ना दिखाते हुए आपको सीधा सीधा इसका रिविजन एरिया दिखाता हूँ। 4 क्लॉजेस में अल्टरेशन किस क्लॉजेस के अंदर हो सकता है, तो नंबर 1 था आपका नेम क्लॉज, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट क्लॉज, उसके बाद आता है आपका लाइबिलिटी क्लॉज, और लास्ट आता है आपका डोमिसाइल क्लॉज। हर किसी के अंदर अमेंडमेंट करने के लिए आपको अलग अलग प्रोविजन बताए गए थे कि किस किस तरीके से आप प्रोविजन फॉलो करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं नेम क्लॉज की, तो नेम क्लॉज को आप आराम से अल्टर कर सकते हो, पर उसके लिए आपको क्या फॉलो करना है, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन देना है। ओके, स्पेशल रेजोल्यूशन आपको फाइल करना होगा, उसके बाद आपको क्या अप्रूवल की जरूरत है, तो आपको यहाँ पे अप्रूवल चाहिए किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, सब्जेक्ट टू सेक्शन 16, सेक्शन 16 बेसिकली रेक्टिफिकेशन की बात आएगी, तो उसको अलग से देख लेंगे। बट फिलहाल आप ध्यान रखो कि आपको अप्रूवल चाहिए किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा फ्रेश टाइप का, फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलेगा, जो कि आरओसी के द्वारा आपको इशू किया जाएगा अगर आपका नाम चेंज होता है नए नाम के अंदर, विद द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट अमेंडमेंट, मतलब जो अल्टरेशन होगी उसकी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर मौजूद होगी। और इसकी एप्लीकेबिलिटी की अगर बात करें, तो एप्लीकेबल नहीं होता कब, जब आप कन्वर्जन करते हो कहां से प्राइवेट से पब्लिक, मतलब प्राइवेट को ऐड या डिलीट करते हो, तो उसके अंदर आपको नेम क्लॉज के अंदर अल्टरेशन की जरूरत नहीं होती। मतलब कि प्राइवेट से पब्लिक गए, पब्लिक से प्राइवेट में आए, तो उसको अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ही नहीं कहते। ठीक है, अगली बात आती है डोमिसाइल क्लॉज की। डोमिसाइल क्लॉज का मतलब क्या हुआ, कि आप अपने एड्रेस को चेंज करना चाह रहे हो, तो एड्रेस की पॉइंट आपके सेक्शन 12 में कवर हो गई थी। बस यहाँ पे क्या आएगा, कि जब आप स्टेट चेंज करोगे, स्टेट चेंज करेंगे तो उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट 60 दिन लेगा, और 60 दिन के अंदर वो इसके ऊपर डिसीजन लेगा कि उसको आपको ये अप्रूवल देना है या नहीं देना। लेकिन साथ साथ वो क्या सेटिस्फाई करेगा, कि वो ये देखेगा कि सारे क्रिएटर्स या फिर जो भी आपके पर्सन है ऑथराइज वहां पे, या फिर जो भी मेंबर्स है, वो उनका कंसेंट है कि नहीं इस चेंज के लिए, जो चेंज होने जा रहा है इसमें उनका कंसेंट है कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2, कि आपके जो भी डेट्स या ऑब्लिगेशन है उसके लिए आपने सफिशिएंट प्रोविजंस एंड सिक्योरिटीज वगैरह मेंटेन करके रखे हैं नहीं रखे। अगर ये सारी चीजें मौजूद हैं तभी जाके वो आपको अप्रूवल देगा, अप्रूवल वो आपको देगा, फिर आप उसको फाइल करोगे रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार 30 दिन में आपको सर्टिफाई करके दे देगा कि वो अमेंडमेंट आपका सक्सेसफुल हो गया। अगली बात आती है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज अगर आप चेंज करना चाहते हो तो अगेन आपको स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, लेकिन साथ में आपको ध्यान देना कि ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज करना अलाउड नहीं है
अगर आपने रेज कर रखा है पब्लिक से मनी और वो अनयूटिलाइज आपके पास रखा हुआ है, लेकिन आप कर सकते हो अगर आप इसके प्रोविजन को फॉलो करोगे। क्या प्रोविजन है? नंबर वन, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और नंबर टू आता है कि स्पेशल रेजोल्यूशन जो आपने पास किया उसकी डिटेल्स वगैरह को आप पब्लिश करोगे कहाँ पे? न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर कौन सा होगा? जो आपके इंग्लिश लैंग्वेज में होगा और दूसरा वर्नेकुलर लैंग्वेज में होगा, मतलब वो लैंग्वेज आपके रजिस्टर्ड ऑफिस के एरिया में माना जाता है, पढ़ा जाता है। साथ ही में अगर आप वेबसाइट मेंटेन करते हो तो अपने वेबसाइट के अंदर भी उसको प्लेस करोगे उसकी जानकारी को, और साथ में जस्टिफिकेशन दोगे कि ऐसा चीज आप क्यों करना चाह रहे हो, वो भी आपको वहां पे देना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है, अगर सपोज करो कोई डिसेंडिंग शेयर होल्डर है, मतलब बाद में वो आपके सारे जस्टिफिकेशन के बाद भी वो राजी नहीं हुआ, तो उसको आपको देना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी टू एग्जिस्ट। जो भी प्रमोटर या फिर शेयर होल्डर है जिनके पास कंट्रोल है, उनको उसको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी कि भैया तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, अपने ऑब्जेक्ट को चेंज करने वाले हैं, उसके बारे में बात करता है। फिर बात आती है आपकी लाइबिलिटी क्लॉज में, अगर इसको अंदर आपको अल्टरेशन करनी है तो अगेन आपको स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, लेकिन साथ में ये बात क्या बताता है कि लाइबिलिटी क्लॉज के अंदर अगर कोई कंपनी है जो कि लिमिटेड बाय गारंटी है और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, तो उसके अंदर अगर वो किसी ऐसे मेंबर को उसके अंदर इंसर्ट करते हैं जो कि उसका मेंबर नहीं है लेकिन वो डिविजिबल प्रॉफिट में उसको अगर ऐड करना चाहते हैं, तो ऐसी कोई एक्टिविटी अगर की गई है तो उसको क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा है। इस बारे में इसने चर्चा कर दी। अगला आता है आपका आर्टिकल्स के अंदर अल्टरेशन की बात, तो भैया आर्टिकल्स के अंदर हम अल्टरेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, प्राइवेट से पब्लिक बनाना है, पब्लिक से प्राइवेट बनाना है, तो वो भी आपका अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल के अंदर कवर हो जाता है। उसके बाद बात आती है कि अगर आपको पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी, मतलब प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट करना है, तो उसके आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, बट इनकेस अगर आपको पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में आना है तो ऑब्वियसली बात है आपको पहले क्या चाहिए होगा? एक प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, वो आपको चाहिए चाहिए। उसके बाद ऑब्वियसली बात है आप क्या करोगे? आप फाइलिंग करोगे अपनी अल्टरेशन की किसको? रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार को जो आप फाइल करोगे उसके साथ साथ में आप क्या लगाओगे? इनकेस अगर आपके पास कोई अप्रूवल वगैरह सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी आपने ऊपर देखा, तो उस केस में आप अप्रूवल के साथ साथ फाइल करोगे अपनी रेजोल्यूशन को रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार को सर्टिफाई करेगा, उसको लगेगा सारे प्रोविजन एक्चुअल में फॉलो हुए हैं प्रॉपर तरीके से, तो उसको सर्टिफाई करके आपको क्या कर देगा? एक्नॉलेज कर देगा, मतलब आपको उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि आपने सारा कुछ सही तरीके से किया है, और अल्टरेशन आपकी तभी कंप्लीट मानी जाती है जब उसके अंदर सर्टिफिकेशन होगा। एक पॉइंट आपका सेक्शन 15 का ऊपर भी रह गया, यहाँ उसको कवर कर लेते हैं। सेक्शन 15 बेसिकली क्या कहता है कि जो भी अल्टरेशन की गई है वो नोट होना चाहिए हर कॉपी के अंदर। हर कॉपी का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपने अल्टरेशन की उसको आपको नोट करना है हर एक कॉपी, मतलब उसके बाद अल्टरेशन के बाद जितने भी नए आपके आर्टिकल या मेमोरेंडा आपके इशू किए जाएंगे उसके अंदर जो भी अल्टरेशन की गई है उसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर बिना जानकारी के अगर आपने फ्रेश मतलब ऐसी इशू कर दिया अपने मेमोरेंडम या आर्टिकल, तो उसके इसमें आपको पेनल्टी लगती है जो कि कितनी होती है? ₹1000 हर एक इशू के ऊपर। मतलब कि विदाउट सच अल्टरेशन अगर आपने इशू कर दिया, मतलब अल्टरेशन हो गया है बट आप बिना अल्टरेशन के इन्फॉर्मेशन के उसको आप इशू किए जा रहे हो, तो जितनी इशू कर दिए मल्टीप्लाई बाय ₹1000 की आपको पेनल्टी लगेगी। ये बात करता है सेक्शन नंबर 15 जो कि एप्लीकेबल होता है दोनों अल्टरेशन के ऊपर, मतलब सेक्शन नंबर 13 में भी और सेक्शन नंबर 14 में भी। तो इस तरीके से हमारा 15 तक खत्म हो जाता है। फिर बात आती है सेक्शन नंबर 16 की। सेक्शन नंबर 16 बात करता है रेक्टिफिकेशन की, नेम रेक्टिफिकेशन की कब बारी आएगी। तो नेम रेक्टिफिकेशन की बारी में यहाँ पे दो पॉइंट है। नंबर वन, कि जब आपकी जो कंपनी का नेम है वो आइडेंटिकल है किसी ऐसे नेम से जो कि एग्जिस्ट करती है, किसी ऐसे नेम के साथ आइडेंटिकल है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, हमारे कंपनी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है, तो उस केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चाहे तो आपको एक नोटिस सर्व कर सकती है कि भैया आप अपना नाम जो है उसको चेंज करो 3 महीने की मोहलत के अंदर अंदर। दूसरा पॉइंट आता है कि अगर उस नाम जो आपकी कंपनी का नाम है वो आइडेंटिकल है किसी ऐसे नाम से जो कि रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का जो प्रोप्राइटर है वो एप्लीकेशन देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को 3 साल के अंदर अंदर, और सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है कि जी मेरा तो रजिस्टर था और कंपनी इस नाम से पहले से चल रही, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको प्रॉपरली चेक करेगी और उसके बाद आपको नोटिस सर्व कर सकती है कि भैया आप अपने नाम को चेंज करो, और उस केस में आपको मोहलत देती है वो 6 महीने की, पहले 3 महीने की, इसमें आपको मोहलत मिलेगी 6 महीने की, आप चेंज कर सकते हो। ऑब्वियसली बात है आपके पास जब सेंट्रल गवर्नमेंट का लेटर आएगा तो आपको चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करोगे आप, और चेंज करने के 15 दिन के अंदर आप इन्फॉर्म करोगे अपने रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार उसके बेसिस पर आपको क्या करेगा? एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करके देगा। फिर कुछ पेनल्टी के पॉइंट्स थे जिसको आप ऑल्दो खुद से रीड कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 16। फिर बात आती है आपके सेक्शन नंबर 17 की, जिसमें बात करता है कॉपीज ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल टू बी गिवन टू मेंबर्स। ऑब्वियसली बात है जो भी मेंबर्स होते हैं उसको मेमोरेंडम या आर्टिकल की कॉपीज वगैरह प्रोवाइड किया जाना चाहिए, अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं तो रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन साथ के साथ वो क्या पे करेंगे उसके ऊपर जो भी फीस डिसाइड होगी। अगर वो फीस उनकी पेमेंट हो जाती है तो आपको विदिन 7 डेज 7 दिनों के अंदर अंदर आपको मेमोरेंडम हो गया, आर्टिकल हो गया, कोई रेजोल्यूशन हो गया, कोई एग्रीमेंट्स हो गए, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कुछ भी हो गया, वो जो भी रिक्वेस्ट किया है वो आपको पहुंचाना पड़ेगा अगर उनकी फीस की पेमेंट हो गई है तो। और इनकेस अगर आप नहीं पहुंचाते हो तो उसके ऊपर आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। किसके ऊपर? कंपनी के ऊपर या फिर ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर, ₹1000 प्रतिदिन से लेकर ₹1,00,000 तक। ये बात आती है आपकी सेक्शन नंबर 17 में कि आपको उनको
प्रोवाइड करानी पड़ेगी। अगली बात आती है कन्वर्जन ऑफ कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अगर आपकी कंपनी को कन्वर्ट करना है, मतलब प्राइवेट से पब्लिक, पब्लिक से प्राइवेट एज द केस में भी, या किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? तो उस केस में आपका प्रोविजन आता है कि आपको ऑब्वियसली बात है अल्टरेशन करनी पड़ेगी मेमोरेंडम आर्टिकल के अंदर, तो इनिशियल स्टेप है। जब आपने अल्टरेशन कर दिया, सेकंड नंबर पे आप क्या करोगे, आप रजिस्ट्रार को फाइल करोगे अपनी इन्फॉर्मेशन, जिसके अंदर आप क्या कह दोगे उसको कि आपने सारे प्रोविजन सही से फॉलो किए हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपका अल्टर्ड मेमोरेंडम आर्टिकल जाएगा विद स्पेशल रेजोल्यूशन, नो डाउट। और अगर उस रजिस्ट्रार को लगता है कि आपने सारे प्रोविजन अच्छे से फॉलो किए हैं, तो वो क्या करेगा, पुरानी कंपनी जो आपकी होगी, फॉर्मर कंपनी, उसको वो क्लोज कर देगा और आपको एक नया इशू कर देगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। बट साथ में ध्यान ये रखना है कि आपने नाम कन्वर्ट किया, इससे ये मतलब नहीं कि जो पुरानी कंपनी के आपके डेट ऑब्लिगेशन वगैरह होंगे वो खत्म हो जाएंगे, वो एज इट इज कंटिन्यू माने जाएंगे। जो पुरानी कंपनी में थे वो फर्दर ट्रांसफर हो जाएगा आपकी न्यू कंपनी के अंदर, सारे डेट ऑब्लिगेशन जो कि थे वो एज इट इज ही रहेंगे। ये बात करता है आपका सेक्शन नंबर 18। सेक्शन नंबर 19 आया था सब्सिडी नॉट टू होल्ड शेयर्स इन होल्डिंग कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये क्या कहता है कि जो सब्सिडी कंपनी होगी वो होल्डिंग कंपनी के शेयर्स वगैरह परचेज नहीं कर सकती, ना ही होल्डिंग कंपनी उसको ट्रांसफर कर सकती है। अगर करती है ऐसा तो वो वाइड माना जाता है, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस थी। क्या कि तीन केसेस में ऐसा पॉसिबल है कि सब्सिडियरी कंपनी होल्ड करके रख सकती है होल्डिंग कंपनी के शेयर्स। तीन केसेस कौन कौन से थे, इन केस ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इन केस ऑफ ट्रस्टी, और इन केस ऑफ कि सब्सिडियरी कंपनी ने पहले से होल्ड कर रखा है, जब वो सब्सिडियरी नहीं बनी थी तब से वो उसकी शेयर होल्डर है, तो उस केस में भी होल्ड करके रख सकती है, उसको कंटिन्यू कर सकती है, ऑब्वियसली बात उसको इंक्रीज नहीं करेगी, ठीक है। फिर बात आती है कि ए और बी, मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव और ट्रस्टी के केस में जो कंपनी है जिसने होल्ड कर रखा है उसको वोटिंग राइट भी मिलेगा, लेकिन सी वाले पॉइंट में वोटिंग राइट का पावर नहीं दिया जाता। ओके, तो ये बात थी आपकी इसके अंदर। फिर आपके बाद आता है सेक्शन नंबर 20, जो भी बात करता है सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट। सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है कि डॉक्यूमेंट सर्व करना पड़ेगा कंपनी को। तीन प्राण यहाँ पे आए थे कि किसी और कंपनी को सर्व करना है, मेंबर को सर्व करना है, रजिस्टर को सर्व करना है, तो उसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया। अगर हम कंपनी में सर्व करेंगे तो उस कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में सर्व करना पड़ेगा बाय वे ऑफ व्हाट, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर सर्विस, लीविंग एट देयर रजिस्टर ऑफिस, मतलब उनके रजिस्टर ऑफिस में छोड़ के आ सकते हैं, या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अदर मोड के थ्रू। फिर यहाँ पर बताया गया कि सिक्योरिटी अगर हेल्ड इन डिपॉजिटरी है तो उस केस में अगर आपको डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स वगैरह अगर सर्व किए जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड या फिर किसी और मोड पे किए जाएंगे। द थिंग इज की पोस्ट या रजिस्टर्ड या स्पीड या फिर कुरियर वगैरह की सर्विस के थ्रू आपको डिलीवर नहीं किया जाएगा। फिर इसके बाद बात आती है कि अगर हम सर्व कर रहे हैं डॉक्यूमेंट किसको, रजिस्ट्रार को या मेंबर को, तो उस केस में हम क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, तो हम पोस्ट कर सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, कुरियर कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं उनके एड्रेस पे जाके, या फिर कोई और इलेक्ट्रॉनिक मोड या फिर एनी अदर मोड एज बी प्रिस्क्राइब। कहीं ना कहीं सारे सेम पॉइंट है, बट यहाँ पे एक पोस्ट का पॉइंट एक एक्स्ट्रा आ जाता है फर्स्ट नंबर। फिर बात आती है कि जो हमारे मेंबर है वो चाहे तो किसी पर्टिकुलर मोड पे भी उनसे मंगा सकते हैं, उनका पूरा पूरा हक है, बशर्ते उन्होंने फीस अगर पे की होगी तो आपको उनको वो सर्व करना पड़ेगा, जो भी मोड वो चाहते हैं उसी मोड में उनको आपको डॉक्यूमेंट सर्व करने पड़ेंगे। फिर एक्सप्लेनेशन आया कि भैया कुरियर का मतलब क्या है, तो कुरियर का मतलब वो होता है जो एजेंसी या पर्सन डिलीवर करती है और साथ में आपको प्रूफ भी देती है कि हाँ भैया हमने डिलीवर कर दिया। फिर बात आती है निधि कंपनी को लेकर कुछ एक्सेप्शन थी, क्या एक्सेप्शन थी कि निधि कंपनी में कहा गया कि छोटे लोगों को आपको सर्व करने की जरूरत नहीं है। छोटे लोगों में कौन आ गया कि कहा गया कि जिसके पास 1000 रुपए की फेस वैल्यू या फिर 1% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल है या उससे ज्यादा है, उन लोगों को तो हम सर्व करेंगे, बाकी लोगों को सर्व करने की जरूरत नहीं है। बाकी लोगों को अगर कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह देनी है तो उसको हम पब्लिक नोटिस दे देंगे, कहाँ पे, न्यूज़पेपर के अंदर, और साथ ही साथ अपने ऑफिस के नोटिस बोर्ड में भी उसको चिपका देंगे, तो वो हमारा सफिशिएंट माना जाएगा। जो इन क्राइटेरिया को क्रॉस करते होंगे उन लोगों को ये सर्व किया जाएगा। ये एक्सेप्शन बेसिकली आता निधि कंपनी के केस में। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन का मतलब यहाँ पे आया है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन का मतलब बेसिकली क्या होता है, जहाँ पर आप रिकॉर्ड वगैरह को रख सकते हो, स्टोर कर सकते हो, फ्यूचर में उसको यूज कर सकते हो, रिट्रीवर वगैरह की पॉसिबिलिटी वहाँ पे होती है। जनरली इसके अंदर एग्जांपल दिया गया आपका फैक्स और ईमेल का। फिर बात आई नेटवर्क की, नेटवर्क बेसिकली कवर होता है आपका जो एनसी की वेबसाइट वगैरह होती है, इस टाइप की कोई टेक्नोलॉजी वगैरह यूज की जाती है जिससे कि आप जो डॉक्यूमेंट या जो इन्फॉर्मेशन वगैरह वो शेयर करते हो। और फिर आया अदर मीन एज मे बी प्रिस्क्राइब विच में भी रीजनेबल। डिलीवरी ऑफ पोस्ट की बात आई थी, इसमें हमने देखा था कि अगर नोटिस ऑफ मीटिंग की बात होगी तो मीटिंग के केस में वो 48 घंटे के अंदर आपका डिलीवर हो जाना चाहिए, और एनी अदर केस में स्पीड पोस्ट का जो ऑर्डिनरी टाइम होगा, जो पीरियड लगता होगा, वो लगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट इन केस ऑफ मीटिंग टाइम शुड बी 48 आवर्स, उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। फिर बात आती है आपकी सेक्शन नंबर 21 की, जो बात कर रहा था ऑथेंटिकेशन की। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट कब माना जाएगा, जब वो साइन किया हुआ होगा। साइन करने की पावर किस किस को दी गई, तो ये सेक्शन कहता है कि भैया कोई भी केएमपी साइन कर ले, कोई दिक्कत नहीं, या फिर कोई भी ऑफिसर या एम्प्लॉय साइन कर सकता है जिसको कि ऑथराइज कर रखा है किसने, हमारे बोर्ड ने। तो अगर इन दोनों में से किसी ने भी साइन कर रखा है तो वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होंगे वो क्या माने जाएंगे, ऑथेंटिक माने जाएंगे। केएमपी क्या होता है, ये आपका पहले भी कवर हुआ डेफिनेशन वाले एरिया में। साथ में यहाँ पे और इसको डिटेल बताया गया था, जिसमें कहा गया था सीईओ हो गया, एमडी हो गया, सेक्रेटरी, होल्डर, डायरेक्टर, सीएफओ, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो एक लेवल बिलो का है लेकिन उसको डेजिग्नेट कर रखा है हमारे बोर्ड ने, तो वो भी हमारे इसके अंदर कवर हो जाता है। एंड लास्ट कौन सा पॉइंट आता है, एनी ऑफिसर एज मे बी प्रिस्क्राइब। लास्ट सेक्शन आपको बताता है सेक्शन नंबर 22, जो बात करता है एग्जीक्यूशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसके ऊपर आपका लास्ट सवाल भी बना था।
क्या कहा गया कि भैया एग्जीक्यूट कौन कर सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट या बिल ऑफ एक्सचेंज या कुछ टाइप की चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए पावर दिया गया कि कोई भी पर्सन को किया जा सकता है जिसको भी ऑथराइज किया गया है एज अ अटॉर्नी इन राइटिंग। वो बंदा विद इन इंडिया भी कर सकता है, इंडिया के बाहर भी जाकर कर सकता है। ये कभी होगा जब किसी पर्सन को ऑथराइज किया जाएगा इन केस जब कंपनी के पास कॉमन सील होगा। अगर कॉमन सील है तो किसी पर्सन को ऑथराइज किया जा सकता है एज अ अटॉर्नी इन राइटिंग क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह एग्जीक्यूट करे विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। अगर कॉमन सील नहीं है तो उस केस में कम से कम दो डायरेक्टर होने चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए, और अगर कंपनी सेक्रेटरी एग्जिस्ट करती है तो उस केस में एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी भी चाहे तो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये सारे टाइप की एग्जीक्यूशन जो होगी ये कंपनी को बाइंड करती है, इसके अलावा कोई भी एग्जीक्यूशन आपका अलाउड नहीं होता। तो ये बात आई थी आपकी सेक्शन नंबर 22 के अंदर। आई होप हमने अच्छी खासी स्पीड से इसको कवर कर लिया, इसको अच्छे से समराइज कर लिया है। वेल, अगर आपको किसी में थोड़ा सा कंटेंट कम लगा हो या कुछ वैसी दिक्कत आई हो तो आप इसको डिटेल में जाके पीछे देख सकते हैं। सभी की एक इंडिविजुअल कंटेंट के इंडिविजुअल सेक्शंस की अपनी वीडियो तैयार है। चलिए, तो अब हमारा कह सकते हैं हमारा चैप्टर 2 कंप्लीटली रैप हुआ, इंक्लूडिंग रिवीजन, इंक्लूडिंग क्वेश्चन आंसर, इंक्लूडिंग एमसीक्यूज, इंक्लूडिंग ईच एंड एवरी कंटेंट। मिलते हैं आपसे चैप्टर नंबर 3 के साथ। इसको आप होपफुली डन कर लीजिएगा। ओवरऑल आपका ये 5 से 7 नंबर का आ जाता है, एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है इसके सारे प्रोविजन्स में।